इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के सीधा आई एम इन पेरिस आईफिल टावर के नीचे जस्ट ऐसे पोस्ट. सिमरन इज ऑल सेट टू बिकम ब्राइड. वन मून हेयर वन मून हेयर. यूपीआई के लिए घूम रहे हैं हम दोनों के ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं. बर्फ जितनी ठंडी मतलब एक ड्रॉप पड़ेगी तो कांप जाओगे यार. बहुत ही बैड लाइटिंग और चार्जिंग की तार आते हुए बीच में ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज गंजिन एंड यू वाचिंग ट्रैवर्स विद शर्मा. आज का वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल. मेरी मुंबई वाली फ्रेंड सिमरन, जिसको शायद मैं व्लॉग में नहीं ले पाई थी लास्ट टाइम, वो आ रही है थोड़ा सा पिंक सिटी वाले एरिया में, जो मैं यूजुअली विद्या के साथ जाती हूँ आज. पर आज मैं उसके साथ जाऊँगी बिकॉज कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है एंड वील हैव सम चार्ट एंड एवरीथिंग. अभी वो आने वाली है तो उसका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे. ऑल्सो अभी वो थोड़ा टाइम पहले ही पैरिस भी जाके आई, तो थोड़ी उस बारे में बात करेंगे. ठीक ही दीदी है. आ गई हमारी मुंबई वाली दोस्त सिमरन इज हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एट माय हाउस. और वो मेरे घर की बहुत तारीफ कर रही है. जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको शायद पता नहीं है मेरे घर के बारे में, और मैं बताना भी नहीं. बस ये वाला एरिया है जो जहाँ मैं बैठती हूँ और मैं काम करती हूँ, बाकी वो वाला एरिया नहीं छुआ है हमने. बट शी इज लाइकिंग इट. ओके गाइस, तो हमारा हो गया है प्लान चेंज. हम लोग जा रहे हैं सिर्फ वैशाली वाला एरिया जहाँ मैं एक्चुअली रहती हूँ. पिंक सिटी वाला एरिया हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज इट्स टू फार, बहुत ड्राइव करना पड़ेगा और मेट्रो से भी जाना होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम थक जाएंगे वहाँ पे घूमते करते हुए. तो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग सिमरन टू वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, और उसको कुछ खिला विला भी यहीं पर लेंगे हम लोग. तो चलो चलते हैं फट से, मेरे को रेडी होना है. आई ओनली हैव 5 मिनट्स. गाइज, वी आर एट दिस प्लेस कॉल्ड चाय काफी. आई थिंक ये कहीं साउथ की जगह है, मेरे को याद नहीं आ रहा. गाइज, हम आ गए हैं अपनी औकात वाली स्टेडियम में आ गए हम वैशाली में, काफ़ी फेमस जगह जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है. सिमरन इज लुकिंग फॉर सम कुर्तीज, और उसको जयपुर प्रिंट में चाहिए, और उसको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा ही प्रिंट मिलता है. फाइनली कुछ समझ आ जाएगा तो ले लेंगे. बिकॉज सिमरन सोच रही है ये लेने का, और मैं इसको कन्विंस कर रही हूँ कि ये ले ले, और इसका प्राइसिंग भी काफ़ी सही है. गाइज, लुक एट द ब्लाउज. ये ब्लाउज अच्छा लगा मुझे इसका, सब ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊँ मैं. इतना मिनिमलिस्टिक लग रहा है, दिखाइए ज़रा. गाइज, मैं इसको कन्विंस कर रही हूँ, इसको बताओ अभी. अच्छा नहीं लग रहा है ये? कितना सही लग रहा है ये यार. गो फॉर इट. गाइज, हम लोग फाइनली सिमरन की शॉपिंग के बाद निकल रहे हैं बाहर. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको पसंद नहीं आ रहा, तो हम लोग कहीं और जगह ट्राई करेंगे. बट बाय द वे, दिस प्लेस इज़ वेरी गुड. जूडियो के बजाय यहाँ पे आओ. ये जयपुर के वैशाली में है. जयपुर में कहीं भी रहते हो यहाँ पे आ सकते हो. सिमरन से पूछे प्राइसिंग आर ओके ना? बहुत अच्छा है, पर अभी सिमरन को नहीं लेना, उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि बट अच्छा है. हाँ, नाइस. गाइज, दिस इज आर 5th आउटलेट एंड वी आर स्टिल नॉट फाइंडिंग एनी कुर्ता विच सिमरन कैन फाइंड. कभी उसको ज़्यादा ब्रॉड, कभी ज़्यादा डिज़ाइन वाले दिखाते हैं, कभी ज़्यादा प्लेन दिखाते हैं, एंड जो पसंद आता है उसमें कुछ इशू होता है. तो अभी तक हमारा सिर्फ शॉपिंग चल रहा है. एंड दिस इज़ मी रिपोर्टिंग अनादर सेट विच वी आर लाइकिंग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा लग रहा है तो ले सकती है ये. मेरे को इसका वो क्या बोलते हैं, नेकलाइन अच्छी लग रही है मुझे इसकी ना. सिमरन इज ऑल सेट टू बिकम ब्राइड. अच्छा लग रहा है. इसने पहली बार प्रिंट देखा है जो हमारे जयपुर में हर कोई हर लेडी पहनती. ओ वाह, नाइस. बस ब्लाउज की ज़रूरत है, बाकी पूरा सेट कंप्लीट है. अच्छा लग रहा है ना. हाँ हाँ, तेरी शादी लगेगी तो ये पहन के जाएगी. तो सम बेसिक्स टोल्ड बाय सिमरन, वो जस्ट केम फ्रॉम पेरिस. बता, चल बता कितना लगेगा पेरिस में खर्चा नॉर्मल डे का? 400. तीन लोगों का फॉर 3 डेज. 3 नाइट्स 4 डेज. सही है फिर तो. मेरे को लगा एक जने का. इसमें आ रही हूँ हमारे सबसे अच्छे पार्क में आफ्टर 10-12 ईयर्स. मैं भूल गई थी ऐसा कुछ पार्क एग्जिस्ट करता है, पर मुझे एकदम से याद आया. तो हमने सोचा क्यों ना सिमरन इज समवन हु लव्स पार्क, क्योंकि उसको भीड़ भाड़ नहीं मिलती यहाँ पे. चल अंदर चलते हैं. इट्स इन द शेप ऑफ कटोरा बाय द वे. गाइज, लुक एट द मून. वन मून हेयर वन मून हेयर.
ऐसे में लोगों की तारीफ करती हूँ और फिर उनको पटा लेती हूँ। बड़ी शांति से लग रही है गाइस, इधर की वाइब इतनी ज़्यादा अच्छी है एंड ऐसा लग रहा है मैं बैडमिंटन या कुछ खेल लूँ। मतलब मेरे को ऐसे प्रोडक्टिविटी किक हो रही है मेरी, मैं यहाँ जिम कर लूँ मेरा मन कर रहा है। जिस हिसाब से लोग खेल वेल रहे हैं तो आई विश, कितना अच्छा लग रहा है। गाइस जस्ट डन विद द बिगेस्ट गोलगप्पे स्पेशली फॉर सिमरन। कुछ ऐसा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा नहीं है वैशाली, पर आज हम लोग UPI के लिए घूम रहे हैं। हम दोनों के ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं, किसी के पास 500 का चेंज नहीं है एंड दिस इज़ हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर डे और पेट हमारा फुल हो चुका है। गाइस वी आर बैक होम। मेरे को मेरे दोस्त अगर सपोर्ट नहीं करे व्लॉगिंग में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर ठीक है फिर भी मैं व्लॉग करती हूँ, उससे मतलब नहीं है। बट सिमरन हमें कुछ इंटरेस्टिंग बाइट दे रही है पेरिस की, अगर आप कोई पेरिस जाओ तो। मैं तो अभी जाने नहीं वाली, पैसा नहीं है मेरे पास, पर सिमरन जाके आई है। सिमरन ने हमें लिटरली शॉक दिया है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के सीधा, आई एम इन पेरिस आईफिल टावर के नीचे जस्ट ऐसे पोस्ट। पर एक्चुअली दिखने में काफ़ी ऐसा सरियल लगता है, आपका दोस्त उसको ज़्यादा दोस्त लगता है, अच्छी बात है, दैट्स गुड कि हमें और मोटिवेशन आता है ट्रैवलिंग का। बट सिमरन कुछ बाइट देना। और तो सिमरन बता रही थी कि काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहता है 10:30 बजे तक सनसेट होता है। वैसे ये बात मुझे पता चल चुकी थी लंदन वाले दोस्त से भी, लोग बहुत चिल है ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर। और बस ही मेट्रोज में परेशान हो गई वो, लेकिन हर जगह वॉक करके घूम सकते हैं, यहाँ पे भी घूम सकती तू, पर अपन ने हाँ पर वेदर वहाँ पे ऐसा है कि आप वॉक कर सकते हो। हाँ, अच्छा है दोपहर में भी। अच्छा ओके, अब मैं गई थी रेनी सीजन। हाँ रेनी सीजन तो बारिश बारिश थी क्या? एक बार हुई थी। बर्फ जीती ठंडी, मतलब एक ड्रॉप पड़ेगी तो काप जाओगे यार। मतलब ऐसे आप देख के ऑब्वियसली आईफिल टावर देख के वो शॉक हो चुकी थी, उसको पता चल गया था कि वो दूसरे वर्ल्ड में। पार्क, शी इज़ अ पार्क लवर, इसलिए आज हम लोग पार्क जाके आए, इसलिए मैं चल तेरे को पार्क लेके चलती हूँ। आप पार्क हो गए, लेक्स वगैरह हो गए, जो अपन को यहाँ पे नहीं मिलता है इतना। आजकल कोई जाते रहे, सब कोई मॉल में घुस रहा होता है या फिर मूवीज देखने जाता है। मॉल नहीं जाना है ठीक है। मेरा तो पता मेनली क्या रहता है, हाँ टूरिस्ट की बसेस तो कभी नहीं करो भाई, मैं कभी ट्रैवल एजेंसी से बुक ही नहीं कराना है मेरे को। और मेरा मेन ये रहता है कि अगर मैं कोई कंट्री विजिट करूँ तो मैं 5-7 दिन उधर करूँ और फिर लास्ट के 3 दिन कंट्री साइड, मतलब उधर का विलेज हो गया और पूरा ग्रीनरी वगैरह, ये मेरा प्लान है। अभी के लिए इस प्लान को यहीं पे रोकते हैं बिकॉज हम कहीं नहीं जा रहे, अगले साल जाने का होगा। बट थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय गाइज, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो ओके बाय।